हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम माह जुलाई के प्रथम शनिवार में की जाने वाली सबल भारत के अंतर्गत थीम जो है निबंध लेखन वृक्षारोपण। निबंध लेखन में हम देखेंगे स्वास्थ्य चर्चा, शैक्षणिक भ्रमण, स्वच्छता, ट्रैफिक के नियम, बहुत सारी न्यूज जो रीडिंग है डेबिट हम इसमें कर सकते हैं। तो यह जो अभिनव प्रयास है वो CCLE 21वीं सदी के कौशलों पर आधारित शिक्षा है, जिसमें सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन के आधारित एक अभिनव पहल के अंतर्गत बाल सभा आपके विद्यालय में आयोजित की जानी है, जिसमें हम अपनी गतिविधि विद्यार्थी पुस्तिका में लिखेंगे कि हम किस थीम पर हमें निबंध लेखन करना है। वह थीम पर हम बहुत सारे इसमें विषय दिए गए हैं, जिसमें आप जो अपनी पसंदीदा थीम के अनुसार आप प्रथम शनिवार में गतिविधि निबंध लेखन का कार्य जो है कर सकते हैं। यह कार्य जो है आपको व्यक्तिगत करना है और एक कापी में लिखना है, और जिसमें आपको 20 अंक प्रदान किए जाएंगे, जिसमें प्राप्तांक जो आपको मिलेंगे वो प्रस्तावना, भाषा शैली, विषय वस्तु, उपसहार और इन सबका टोटल जो है आपको इसमें 20 अंक रहेगा, जो आपको जैसे आप लिखेंगे उसमें आपको अंक दिए जाएंगे। जिसका हमने इसमें थीम जो दिया है वो ट्रैफिक के नियम है, इस पर हम निबंध लिखेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हम देखेंगे यहाँ पर रूपरेखा, प्रस्तावना, नियम पालन की आवश्यकता, यातायात के नियम और उपसहार, इन सभी पहलुओं पर हमको निबंध लेखन करना है। आपका जो पसंद दिया, इसमें से जो विषय दिए गए हैं जिसमें से आप निबंध लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर उदाहरण तौर पर एक ट्रैफिक के नियम से संबंधित एक निबंध लिखा है, जो आप भी इसे लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे इसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? तो हम अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का उपयोग कब कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब कि किसी की वे दूसरे लोगों के अधिकारों के व अधिकारों व स्वतंत्रता में बाधक ना हो। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना ही चाहिए। जब हम नियम का पालन नहीं करते अथवा बिना सोचे समझे काम करते हैं, तब हम दूसरों के लिए असुविधा पैदा करते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक को दुर्घटना से बचने के लिए यातायात के संकेतों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसी से संबंधित हम देखेंगे नियम पालन की आवश्यकता। दूसरा बिंदु है हमारा कि एक दिन एक सज्जन अपनी टहलने की छड़ी को अपने हाथों में गोल गोल घुमाते हुए और अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति समझते हुए किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर टहल रहे थे। उनके पीछे आने वाला व्यक्ति ने इस बात से आपत्ति उठाई और कहा कि आपको इस तरह अपनी छड़ी को गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं जो चाहूं करूं, मैं स्वतंत्र हूं। तो यह सुनकर वह व्यक्ति ने कहा, आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जब आप दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम स्वतंत्रता की आड़ में सभी नियमों की अनदेखी कर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम नियम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसमें हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद में तीसरा बिंदु है यातायात के नियम। तो इसमें हम देखें तो यातायात के ऐसे कोई नियम नहीं है जो हमें बताए कि सभी मामले में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार का नहीं, परंतु कुछ मामलों में ऐसे नियम हैं जिनका हम सबको पालन करना चाहिए। आजकल हमारे नगरों और कस्बों और गाँव की सड़कों में यातायात के कारण क्या हो रहा है, बहुत व्यस्त सड़कें जो है होती जा रही है, जिससे दुर्घटनाएं होती जा रही है। इसलिए हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे आपकी सुरक्षा हो सके। पैदल चलने वाले और अपने आपको पैदल चलने वाली जगह से चलें, इसलिए टू व्हीलर वाले अपने साइड से चलें, फोर व्हीलर वाले अपने अपने
जो मार्ग है उससे चलें तो दुर्घटना से बचा जा सकता है, एवं जगह जगह पर यातायात के नियम से बने संकेत चिन्हों को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड लगे हुए हैं उनका भी ध्यान रखा जाना अत्यावश्यक है। और भी बहुत सारी सावधानियां हम सब रख सकते हैं, इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसमें ही उपसंहार। उपसंहार जब हमारा जो निबंध है वो समाप्त हो जाता है तो आखिरी में जो निचोड़ कहलाता है तो वो उपसंहार कहलाता है। तो इसमें हम देखें तो इन सभी बातों से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी सार्वजनिक सड़क का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को यातायात नियंत्रण कार्य पर तैनात पुलिसकर्मी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यह सभी नियमों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जरा कल्पना कीजिए कि पैदल चलने वालों और तेज गति चलने वाले वाहनों से भरी व्यस्त सड़क पर यदि पुलिसकर्मी तैनात ना हो तो क्या दशा होगी। आप समझ सकते हैं कि पुलिसकर्मी कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है या महत्वपूर्ण काम है। आप उसके आदेश का पालन नहीं करते हैं, उनके आदेश का पालन करना चाहिए, तभी आपकी जो दुर्घटना से आप बच सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उपसंहार में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यह निबंध लेखन का कार्य जुलाई माह के प्रथम शनिवार में कर सकते हैं। तो आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम में आपको द्वितीय शनिवार में की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।